आज हम बात करेंगे थर्मोफोबिया के बारे में, यानी कि एबनॉर्मल एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ हीट। थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा, या थर्मो का मतलब यही है कि हीट। तो इंक्लूडिंग हॉट वेदर एंड हॉट ऑब्जेक्ट्स, और इस फोबिया से मुतासर जो शख्स है उसके ऊपर ये खौफ सवार होता है, और उसको पता होता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, और लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, और वो हीट से अवॉइड करता है, और वो चाहता है कि वो कोल्ड क्लाइमेट में रहे। जाहिर है जिससे वो डरता है उससे अपोजिट इन्वायरमेंट में रहना चाहता है, हल्के कपड़े जो है वो पहनते हैं, और गर्मी के दिनों में जो है वो घर के अंदर रहता है, और मतलब है कि वो गर्म खुराक जो है वो इस्तेमाल नहीं करता, यानी कि और गर्म पानी से जो है वो भागता है। अब इसके जो अपोजिट है ना वो है क्रायोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ कोल्ड जो है, और इसकी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन जो है होम्योपैथी के लिए जो इस्तेमाल होती है वो है चिनोपोडियम। थैंक यू वेरी मच।